दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम इंग्लैंड से पहले लिसेस्टर काउंटी टीम के खिलाफ अभ्यास मुकाबला खेल रही है, जिसके पहले दिन भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली पारी 246 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाकर पारी को पहले ही दिन 60 ओवर में घोषित कर दिया, जिसमें श्रीकर भारत ने सर्वाधिक 70 रन की पारी खेली और उनके अलावा विराट कोहली ने 33 तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा 25 रन की पारी देखने को मिली। और इसके अलावा दूसरे दिन जब खेल प्रारंभ हुआ तो भारतीय टीम गेंदबाजी करने के लिए आई तो भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें मोहम्मद शमी ने 3 विकेट तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी 3 विकेट हासिल किए और इसके साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट हासिल किए और 244 रन पर विरोधी टीम को ऑल आउट कर दिया, जिसमें विरोधी टीम की तरफ से खेल रहे ऋषभ पंत ने 76 रन की पारी खेली और इसके बाद 2 रन की लीड के बाद भारतीय टीम जब दूसरी पारी खेलने के लिए आई तो दूसरे दिन की समाप्ति तक 80 रन 1 विकेट के नुकसान पे बनाए, जिसमें शुभमन गिल 38 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं हनुमा विहारी 9 और श्रीकर भारत 31 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। वहीं जब तीसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो भारतीय टीम की तरफ से हनुमा विहारी और श्रीकर भारत ने उसी तरीके से बल्लेबाजी को आगे बढ़ाने का काम किया और तीसरे दिन का खेल जब प्रारंभ हुआ तो हनुमा विहारी ने दिन के दूसरी गेंद पर तीसरे दिन के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 रन लिया बारिश का आगमन हो गया और बारिश ने बहुत ही भयानक रूप ले लिया, जिसके कारण खेल को रोक दिया गया। और आपको बता दें कि कुछ ही समय बाद के बाद बारिश बंद हो गई, लेकिन खेल दोबारा से सुचारू रूप से चालू हो सका और इस बार तो पहले ओवर में 3 रन आए और इसके बाद बुमराह जब अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो जसप्रीत बुमराह ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 1 रन दिया और वहीं दिन का तीसरा ओवर रोमन लेकर आए और उन्होंने मेडन ओवर डाल दिया और भारतीय टीम की पूरी पारी का ये एक और मेडन ओवर साबित हुआ। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम अब तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के इरादे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी तो दूसरी तरफ विरोधी टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह को गेंद देकर भारतीय टीम के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे और बुमराह को फिर से गेंदबाजी की कमान सौंपी गई और उन्होंने एक बार फिर से नो बॉल डाल दी, लेकिन हर बार की तरह बुमराह फ्री हिट पर एक भी रन नहीं देने वाले खिलाड़ी बने और ओवर में मात्र 1 रन दिया। और इसके बाद दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे श्रीकर भारत एक बार फिर से रन बनाने में नाकामयाब रहे और अपने तीसरे दिन के खेल में एक भी रन नहीं जोड़ पा रहे थे और बहुत ही ज्यादा संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन पहली पारी में बेकार बल्लेबाजी करके आए हनुमा विहारी ने बुमराह के ऊपर अपनी बल्लेबाजी का कहर बरपा दिया, जिसमें 24 ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने तीसरे दिन का पहला चौका चढ़ा और अब एक्सेलरेटर पर पैर रखते हुए अब तेज तर्रार बल्लेबाजी करने की तैयारी थी और लगातार 25वें और 26वें ओवर में एक भी रन नहीं आया और अब भारतीय टीम के ऊपर बल्लेबाजी में दबाव देखने को मिल रहा था। परंतु 27वें ओवर में श्रीकर भारत ने आज के दिन अपना खाता खोल लिया और 27वें ओवर की समाप्ति बहुत ही शानदार तरीके से करी और लगातार अंतिम दो गेंदों पर 2 चौके जड़कर उन्होंने अपनी तेजी बल्लेबाजी में दिखा दी और भारतीय टीम ने 100 रन भी पूरे कर लिए। और इसके बाद 28वां ओवर करने को जब नवदीप सैनी आए तो उन्होंने मात्र 1 रन दिए और इसी के साथ 28 ओवर में भारत ने 101 रन 1 विकेट के नुकसान पे बना दिए और 103 रन की लीड भारतीय टीम के ऊपर मौजूद थी और श्रीकर भारत अपने अर्धशतक के करीब थे और लगातार दूसरी पारी में भी अपना अर्धशतक जमाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वहीं हनुमा विहारी भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी के साथ ही भारतीय टीम 250 से 270 रन बना सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम कितने रन का टारगेट विरोधी लिसेस्टर काउंटी टीम को दे पाएगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।